हेलो, आई एम सैयद फर अली। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी रेसिपी मेथी मलाई मटर की। और जो मेरे स्टाइल से आप बनाने होंगे ना, तो आपकी ये रेसिपी बहुत आसानी से बहुत ज़बरदस्ती बनने वाली है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। जब ये आप बनाकर अपने घर में तैयार करेंगे तो सब आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। तो चलिए हमें बता दिया मैंने ये कैसे बनाया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मेथी ले लेना है। तो 200 ग्राम के करीब मैंने मेथी ली थी, इसकी पत्तियाँ तोड़ ली हैं, बाकी डंठल वगैरह नहीं लेना है। इसे पत्तियाँ तोड़ के धो के अच्छे से इनको सुखा लिया मैंने। इसके बाद इसको कट कर लेंगे। और जब भी ना आप मेथी को जब चॉप जो धोए ना, उसमें नमक डाल दें ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। तो बस इसके बाद हम यहाँ पर एक पैन चढ़ा देंगे, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। उसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जीरा, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग। इसके बाद जब ये तड़क जाएगा अच्छे से, तो इसमें मैंने 2 बिग साइज के प्याज रफली चॉप करके डाल दिए हैं। आप चाहे तो 3 मीडियम साइज के प्याज ले लें या 2 बिग साइज के प्याज ले लें। इसके बाद हम इनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। तो यहाँ पर बस हमें अब क्या करना है, इसमें हमें काजू ऐड करने हैं। तो 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं और वो इसमें हम डाल देंगे। और इससे ना जो आपके मेथी मलाई का ग्रेवी का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और काजुओं से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होके आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा आपकी ग्रेवी में। और वैसे तो ये वाइट कलर की भी ग्रेवी इसकी बनकर तैयार होती है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे ना, थोड़ा सा मसाला देके बहुत अच्छी बनेगी। और 2 से 3 हरी मिर्च डाल दिए। इसी के साथ हम इसको सबको ठंडा करके ग्राइंडर में एक निकाल लेंगे और इसके बाद ग्राइंडर जार में इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, जब ये हल्का सा शेड दे दे तब आप इसको निकाल कर ठंडा कर कर इसको पीस लेना है। और यहाँ पर मैं इसमें ग्राइंडर में डाल लूँगी, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी। आप चाहे तो थोड़ी देर इसको रख के फिर पीसें, ज़्यादा गर्म मत पीसिएगा। और थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए तो इसको पीस के तैयार कर लीजिए, इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम एक पैन में लेंगे बटर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बटर लिया है। बटर से ना आपकी जो ग्रेवी का टेस्ट तो अच्छा हो गई, साथ ही आप ना जो मेथी डाल रहे हैं उसका कड़वाहट भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो लिया है, यहाँ पर मैंने 2 इंच के करीब अदरक और 7 से 8 यहाँ पर लहसुन की जो जवे हैं वो हमने क्रश कर लिए थे। क्रश करके डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और 2 से 3 यहाँ पर हरी मिर्च मैंने फाइन चॉप कर दी थी। बस इन तीनों चीज़ों को बटर में डाल के 1 से 2 मिनट तक इसको सौते करेंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था प्याज और काजू वगैरह का, वो हम इसमें डाल देंगे। सारा पानी अच्छे से जार में डालकर साफ करके डाला करिए, कुछ भी ज़ाया मत किया करिए। और इसके बाद इसको 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने करीब धनिया पाउडर डाला है। छोटे चाय का चम्मच जो होता है उसका 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। और इसके बाद हमने इसमें डाला है गरम मसाला थोड़ा सा, 1/3 टीस्पून के करीब डाल दीजिएगा आप। और मिर्चा और नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हमने बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले देने नहीं है। हल्दी ऑलरेडी मैं पहले ही दे चुकी थी, तो इसमें आपको बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर बस हमें इनको अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा, इस तरीके का कलर इसका चेंज हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच दही। एकदम सादा दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, थोड़ा सा सादा दही 3 चम्मच इसमें हम डाल देंगे। बस दही को ऐड करने के बाद हमें इसे मिक्स करके अच्छे से भूनना है। और बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके मसाले को, बस आप इस तरीके से 1 से 2 मिनट भूनेंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। और जो हमने मेथी कट जो आपके सामने धोई थी ना नमक डाल के, इसके बाद इसको हमने कट कर लिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा मेरी मेथी फ्राई है, पर ये फ्राई नहीं है, नमक डालने से इसलिए ये ऐसी हो गई है। बहुत अच्छा टेस्ट भी इसका हो जाता है, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती। आप इस तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा जो कड़वाहट है ना मेथी की, आपकी बिल्कुल नहीं आने वाली और ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। बहुत ज़्यादा पकाना और गलाना भी नहीं पड़ता नमक की वजह से, ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मेथी डाल के मैंने 1 मिनट के करीब इसको भूना। और यहाँ पर अब हम डालेंगे क्रीम। जी हाँ, जब मेथी मलाई मटर बन रहा है तो मलाई ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 बड़े चम्मच अच्छे से क्रीम दे देना है, क्योंकि इसका ही मेन टेस्ट आपकी इस ग्रेवी में आने वाला है। और जब इस क्रीम को हम इसमें देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो हमने दही डाला था ना, वो आपकी क्रीम के और काजू की और प्याज की मिठास को बैलेंस्ड करेगा। तो बस इसको डाल के अच्छे से भून लीजिएगा। और अगर आपके पास दूध की मलाई है तो आप 3 से 4 चम्मच वो डाल सकते हैं।
क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर 1 कप हमने उबले हुए मटर लिए हैं। मटर आपके चाहे फ्रेश हो या फ्रोजन हो, आप उनको पानी में पहले उबाल लें, गला लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकती नहीं है सब्जी, तो आपको मटर पहले से ही गलाने होंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से उबाल लिए थे और इसमें डाल दिए, तो बस यहाँ पर थोड़ी देर हम इनको चला के इसमें अब हम पानी डाल के इसको पका लेंगे। तो देख रहे हैं आप कितनी आसानी से, कितनी बढ़िया सी सब्जी हमारी जल्दी से बन गई, और इसमें हमने बस अब पानी डाल दिया है। तो आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा सब्जी की जो ग्रेवी है ना पतली नहीं होती है, थोड़ी थिक होती है, तो थोड़ा सा पानी डाल के बस उतना कि आपकी जो मटर और मेथी वो थोड़ी सी पक जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने धीमी आंच में पकने के लिए रख दी थी, और ये अब मेरी एकदम परफेक्ट सी मेथी मलाई मटर एकदम बनकर तैयार हो गई है, और कितनी शानदार दिख रही है, एकदम क्रीमी सी मज़ेदार सी ये सब्जी बनी है। सर्दियों के सीज़न में ये बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको जब बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा और बार बार खाने का मन करेगा। तो ये इतनी अच्छी बनती है ना, इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। और बस इसको हमने सर्व कर लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे, क्रीम वगैरह गार्निश करके आप इसको सर्व करिए, बहुत ही शानदार लगती है, एकदम रेस्टोरेंट जैसी आपकी ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाली और थोड़ा सा रोगन डाला। रोगन आप कश्मीरी लाल मिर्च को तेल में के साथ ना मिक्स करके रोगन बना सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट भी आएगा और दिखने में ये बहुत शानदार लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मेथी मलाई मटर की रेसिपी पसंद आई होगी, तो सर्दियों में इसको ज़रूर बनाइए। अच्छे अच्छे मटर आने वाले हैं, मेथी आने वाली है, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये अच्छी अच्छी डिलीशियस सी रेसिपी आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। और आप ऐसे ही नई तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी जानना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेस्ट विद फारा, एंजॉय कीजिए मेरी क्रीमी क्रीमी सी मेथी मलाई मटर की रेसिपी, और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।